वेलकम बैक टू माय चैनल डीएस अवेरी। उम्मीद करता सब खेल अच्छे होंगे। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये इशू बहुत ही कम डिस्कस किया जाता है। जैसे कि आप सब भाई को बताएं कि अगर आपके पास जो है मेल और फीमेल कन्फर्म है, ठीक हो गया, मेल का भी डीएनए आपके पास फीमेल का भी डीएनए है, और उसके बावजूद वो पेयर आपस में नहीं लग रहे, तो उसका क्या इशू है, और उनकी एज भी पूरी है, तो उसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न होता है जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता। तो आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, इसलिए ये वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा। दोस्तों आज की जो हमारे मीडिया का टॉप मौजू है वो ये है कि कलर ब्लाइंड, मतलब बर्ड का जो कलर होता है वो उससे मतलब बिल्कुल ही लगाव हो जाता है एक ही कलर से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स हैं, ठीक है, जिसमें वाइट बर्ड भी हैं, ब्लू बर्ड भी हैं, ग्रीन बर्ड भी है। अब यहाँ पे अगर आप मेरे पास देख रहे होंगे मुख्तलिफ किस्म के बर्ड मेरे पास है, अल्बिनो, वायलेट, सिसिली, पार ब्लू। अब होता ये है कि अगर आपका बर्ड कलर ब्लाइंड हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दे देता हूँ, आपने अपने बर्ड्स के जैसे यहाँ पे मैंने सारे घर के चिक्स यहाँ पे जमा किए हुए, अब अगर आपने जितने भी अल्बिनोज आपके घर के निकले, जैसे ये अल्बिनो बैठा हुआ, ये अल्बिनो बैठा हुआ, पीछे अल्बिनो बैठा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 15 से 20 पट्टे अल्बिनो के जमा हो गए, ठीक हो गया, और आपने पूरा साल उनको सिर्फ आपस में एक साथ रखा है, ठीक हो गया, आपने 15 या 20 पट्टे जितने भी आपके पास क्वान्टिटी में बर्ड्स है उन्होंने सिर्फ एक ही कलर देखा है, मतलब सिर्फ वाइट कलर देखा है और कोई बर्ड का कलर नहीं देखा। ये भी नहीं कि मतलब आपने किसी कोने में रख दिया, अगर आपके बराबर में भी आपका बर्ड है तो कोई मसला नहीं है इसमें, मगर ये कि उनको दूसरे बर्ड की मौजूदगी होना लाजमी है, मतलब उनका कलर देखना उनको लाजमी है, वरना ये कलर ब्लाइंड हो जाते हैं, एक ही कलर को ये अट्रैक्ट करते हैं और ये बोलते हैं बस यही हमारे पार्टनर है। अब होता ये है कि जब मेरे पास मैंने ये येलो चेस का पेयर लिया था, ये वाला, ठीक हो गया, और यहाँ पे एक अंदर मेरे पास येलो चेस बैठा हुआ है, ब्लैक मास्क येलो चेस, ठीक है। अब ये आप बचपन से आपस में साथ थे और मेरे को से जो है मेल फीमेल कैसे दिया था, मगर ये दोनों मेल निकले। अब हुआ ये कि एक पीस तो इसमें से एकदम से फीमेल के साथ लग गया और माशा से लेन भी आ गई और बच्चे भी आ चुके हैं। दूसरा पीस जो है यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये मेरा मेल है, ठीक है, वो भी मेल है। अब हुआ ये कि इस मेल को ये वाली फीमेल थी वायलेट, और मगर ये आपस में लगे नहीं, जबकि ये कंफर्म 100% ब्रीडर फीमेल है। मैंने इसको काफ़ी टाइम अच्छा साल को आपस में साथ रखा, मगर इन्होंने अच्छा रिजल्ट नहीं दिया, वो इस वजह से क्योंकि वो बर्ड कलर ब्लाइंड हो चुका था, उसको उसी जैसा जो आपस में ये पार्टनर थे जो बचपन से लेके साथ रहे बर्ड वही कलर चाहिए था, तो मैंने फिर उसको वैसा ही सेम दूसरी वैसी येलो चेस की फीमेल दी। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, ये देखें, अब ये देख सकते हैं आप, ठीक है, मैंने उसको दोनों को बर्ड को सेम फीमेल दी और उसी टाइम ये उसको अट्रैक्ट करने लग गया आपस में, इन्होंने जो है फीडिंग कराना शुरू कर दी और ये पेयर आपस में लग गया, माशाल्लाह आप देख सकते हैं। तो होता ये है कि अगर अपने आपको बर्ड्स को आपको बचाना है तो अपने बर्ड्स के जितने भी आपके पास चिक्स आ रहे हैं, जितने भी रिंग बर्ड्स हैं, उनको आपस में साथ रखें, चाहे फिर वो बड़ा हो या छोटा हो, मतलब अगर उसकी एज से काफ़ी बड़ा है 1-2 साल तो उसको साथ नहीं रखें, जाहिर बात है वो डोमिनेट होगा, उनको मारेगा। बस कहने का मकसद ये है कि आपस में जितने भी आपके पास कलर है वो साथ रखें, ब्लू कलर हो गया, ग्रीन हो गया, कोई सारे बर्ड है रिंग बर्ड आपस में साथ रखें घर की चिक्स, ये नहीं कि अल्बिनो आपने अलग छोड़ दिए, पार्बिनो अलग छोड़ दिए, फिर ये होता है कि उसी कलर के आदि हो चुके होते हैं और वो फिर आपस में पेयरिंग करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। इस वजह से ज़्यादातर भाई के पास ये मसला आता है कि पेयरिंग आपस में हो नहीं पाती, मेल फीमेल भी कंफर्म होता है और जो है एज भी पूरी होती है, और मगर ये होता है कि मेल कहीं अलग बैठा होता है, फीमेल कहीं अलग बैठी होती है, इस वजह से पेयरिंग हो नहीं पाती। इसको कलर ब्लाइंड बोलते हैं, मतलब बर्ड्स को जो है एक ही कलर को उनको आपस में अच्छा लगता है, उस एक ही कलर के वो आदि हो चुके होते हैं, उसके अलावा वो किसी बर्ड के कलर को मतलब अब आपस में पेयर करने के लिए राज़ी नहीं होते। तो मैंने सोचा है बहुत ही ज़्यादा जो है मेन मौजूद जिसे मैं डिस्कस करूँ, क्योंकि आपको यूट्यूब पर बहुत ही कम ये वीडियो मिलेगी देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर ये मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।